Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज्ड एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड के बारे में। ये कहानी शुरू होती है एक अंधेरे तूफानी रात से, जब हम डॉक्टर नेल्सन को हड़बड़ी में कहीं जाते हुए देखते हैं। वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, बार बार भगवान के नाम ले रहे थे। उनकी गाड़ी जाकर रुकती है एक चर्च के सामने, जहां फादर पीटर जैसे उनके लिए ही इंतजार कर रहे थे। दोनों मिलके फाइनली घर में जा पहुंचते हैं और यहां पर हमें पता चलता है इस घर में एक लड़की मगाली पोजेस्ड है। शैतान ने उसकी हालत खराब करके रखा है। इसमें नेल्सन कुछ नहीं कर सकता, इसका बस एक ही क्योर हो सकता है, वो है एक्सॉर्सिज्म। मगर उसके लिए जो नॉलेज और ट्रेनिंग चाहिए वो फादर पीटर के पास नहीं है। वो लंदन में अपने सीनियर फादर माइकल को कॉल करते हैं परमिशन लेने के लिए, मगर उन्हें डायरेक्टली मना कर दिया जाता है, क्योंकि फादर माइकल जानते थे एक्सॉर्सिज्म कोई बच्चों का खेल नहीं है। फादर पीटर इनएक्सपीरियंस्ड है, ना उनके पास इनफ विल पावर है ना प्योरिटी ऑफ हार्ट, वो इस शैतान से लड़ नहीं पाएंगे। मगर पीटर नहीं सुनते। मगाली को ऐसे तड़पते हुए देख और सह नहीं पा रहे थे, तो वो अपने तरीके से, अपने लिमिटेड नॉलेज से ही एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं। मगर इसका नतीजा भयानक होता है। उनके वीक प्रेयर से इस शैतान का बाल भी बांका नहीं होता, उल्टा वो खुद उसके जाल में फंस जाते हैं, उसके टेम्पटेशन में आ जाते हैं। असल में इस शैतान को पता चल चुका था फादर पीटर के दिल में मगाली के लिए फीलिंग्स है, जो एथिकली रॉन्ग है, पाप है। तो उसने इसी का फायदा उठाया। सबसे पहले उसने मगाली के शरीर का इस्तेमाल करके पीटर को सीड्यूस किया और फिर पीटर को पोजेस करके उससे मगाली का रेप करवाया। पीटर कोशिश की खुद को संभालने की, मगर अपने ऊपर उसका कोई कब्जा ही नहीं रहा। मगर इसके ठीक बाद ही शैतान ने मगाली को छोड़ दिया। सबको लगने लगा फादर पीटर एक सेंट है, उनका एक्सॉर्सिज्म सक्सेसफुल रहा, मगर उससे खुद कुछ समझ नहीं आया, ये किसी को कभी पता नहीं चला। इस सब का बस एक ही विटनेस रहा, पीटर ने एक्सॉर्सिज्म के वक्त जो कैमरा सेट किया था, वो उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अपने भलाई के लिए पीटर ने उस रिकॉर्ड को छुपा दिया। देखते देखते 18 साल बीत गए। अभी फादर पीटर मेक्सिको के कंट्री साइड में रहते हैं, वहां पर एक ऑर्फनेज का इंचार्ज है। वो छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखने के अलावा भी पूरे गांव का ख्याल भी रखते हैं। वो जितना हो सके उनकी मदद करते हैं, लोग उन्हें लिविंग सेंट मानते हैं। ऐसे में एक दिन एक लेडी उनसे मिलने आई। उनका बेटा फिलिपे बहुत बीमार है, उसे बुखार है, शरीर पे अजीब अजीब से रैशेस है और साथ में उसे पसीना भी बहुत आ रहा है। और सिर्फ वो ही क्यों, पता चलता है गांव के और भी कई सारे बच्चे इसी बीमारी का शिकार है। सबकी हालत एक जैसी है। डॉक्टर नेल्सन अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को संभालने की, मगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है इसके पीछे कौन सी वायरस है। हॉस्पिटल में ना है खाना ना है मेडिसिन, ऑलरेडी 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। सिचुएशन इतना हेल्पलेस हो चुका था कि फादर पीटर को लगने लगता है सब कुछ उन्हीं के वजह से हो रहा है, उन्हीं के काले करतूतों का असर है ये। वो डिसाइड करते हैं कि वो बिशप के सामने जाकर अपने सारे गुनाह कबूल कर लेंगे, इसका बोझ और उनसे सहन नहीं हो रहा। डॉक्टर नेल्सन उनके दोस्त भी है, तो वो उन्हें समझाते हैं कि जो हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो शैतान के कब्जे में थे ना। मगर पीटर जानते हैं उनके दिल का खोट ही उन्हें ले डूबा। तो अगले दिन ही वो उस वीडियो टेप को लेकर रोम जा पहुंचते हैं, मिलते हैं बिशप से, मगर फाइनली उन्हें दे नहीं पाती, क्योंकि अगर वो कह देते तो शायद उन्हें डोनेशन के टाइम इतने सारे पैसे नहीं मिलते। उसने चुपचाप पैसा लेकर मेक्सिको वापस जाने की डिसाइड की और बच्चों के इलाज में लगा दिया। सब कुछ सही जा रहा था, उनकी ट्रीटमेंट भी ठीक ठाक ही चल रही थी, मगर पीटर अंदर ही अंदर और खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। हर रात उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी। एक दिन ऐसे ही प्रेयर करते वक्त उसे कहीं से कोई भारी चीज गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाज को फॉलो करके प्रेयर हॉल में जा पहुंचते हैं, तो वहां उसे होली क्रॉस खाली मिलता है। जीसस की मूर्ति नहीं थी वहां पर और जमीन पर ताजा खून पड़ा था। अचानक हॉल के अंधेरे कोने से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। पास जाने पर पीटर को वहां खुद जीसस दिखता है, लेकिन पोसेस्ड हालत में। वो खून की आंसू रो रहे थे और उनके आंखों में इविलनेस झलक रही थी।
भगवान के बेटे के ऐसे शैतानी रूप देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। लेकिन ये तो भगवान है ही नहीं, बस शैतान का एक चाल है इंसानों को भटकाने के लिए। वो पीटर पर हमला कर देता है और जैसे ही पीटर चिल्लाने की कोशिश करता है उसकी नींद टूट जाती है। हाँ, वो सपना देख रहा था, एक ऐसा सपना जो पिछले कई रातों से उसकी नींद गायब कर चुका है। एट द सेम टाइम गांव के दूसरी तरफ एक प्रिजन में, जहां सभी इन फेमस प्रिजनर्स को कड़े निगरानी में रखा जाता है, वहां एक भयानक हादसा होता है। एक गार्ड कैदी को खाना दे रहा था तो उनमें से एक पागल लड़की उसकी उंगली काट लेती है। अपेरेंटली ये किसी पागल का पागलपन था, बट इन रियलिटी इसकी जड़ कहीं और थी। वो लड़की कोई नॉर्मल प्रिजनर थी ही नहीं, वो पोजेस्ड थी। और इस जेल में आने के बाद से वो बस फादर पीटर से मिलने की मांग कर रही थी। जेल का जो वार्डन थे वो उसे देखकर समझ गए कि इसे किसी डॉक्टर की नहीं प्रिस्ट की जरूरत है, तो वो अगले दिन ही पीटर को जेल में आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। डॉक्टर नेल्सन पहले ही आ चुके थे। उसे से पीटर को इस लड़की का इतिहास पता चलता है। इस लड़की का नाम एस्पेरेंसा है और उस पर खून का आरोप है। उसने एक आदमी का बहुत ही बेरहमी से खून करके पेड़ से लटका दिया था। उसके शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा था और उसका गर्दन भी टूटा हुआ था। ऐसे भयानक तरीके से क्या कोई इंसान किसी को मार सकता है भला? ऊपर से उसने पिछले दो हफ्तों से कुछ भी नहीं खाया, भगवान जाने वो जिंदा कैसे रह पा रही है। बातों बात में वो लोग सेल के अंदर जा पहुंचते हैं और वहां पीटर को जो नजारा दिखता है उससे उसकी हालत खराब हो जाती है। ये वही शैतान था जिसे पीटर ने 18 साल पहले एक्सरसाइज करने की कोशिश की थी। अभी वो फिर से एक बार वापस आ चुका है इस छोटी सी बच्ची के अंदर। बिल्कुल पहले की ही तरह इस बार भी ये शैतान पीटर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। इनडायरेक्टली उसे उसके करतूतों के बारे में याद दिलाकर सबके सामने ह्यूमिलेट करता है। मगर पीटर सेम गलती दूसरी बार करना नहीं चाहता था, तो वो एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने से मना कर देता है। न जाने इस बार उस शैतान को उससे और क्या चाहिए। लेकिन जब पीटर उसके माँ से मिलते हैं तो उन्हें अपना डिसीजन चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है एस्पेरेंसा किसी और की नहीं मकाली की बेटी है, मतलब उनका खुद का खून। सालों पहले उस रात शैतान के बश में आकर पीटर ने जब मकाली का रेप किया था, उसी का नतीजा ही ये लड़की। उस दिन के बाद वो शैतान कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि मगाली के बच्चे के अंदर चला गया था। एक भोली भाली लड़की का ऐसा हाल बना दिया था उसने। ऐसे में पीटर अपने बच्चे से मुंह कैसे मोड़ सकता है? शायद शैतान को भी यही पता था, इसीलिए उसने एस्पेरेंसा को चुना। इधर गांव में बाकी बच्चों की हालत भी बदतर हो रही थी। जब फेलिपे को डॉक्टर नेल्सन बचा नहीं पाए, हजारों टेस्ट करने के बाद भी उन्हें पता नहीं चला फेलिपे को आखिर हुआ क्या था, तो पीटर समझ गए इसके पीछे जरूर शैतान का हाथ है, क्योंकि वो भी बच्चों के बारे में ही बोल रहा था, 5 डेड बच्चे। इस पॉइंट पे पीटर डिसाइड करते हैं कि वो फिर से एक बार कोशिश करेंगे। वो खुद जाकर बिशप से परमिशन भी ले आते हैं। पिछली बार की तरह इस बार वैटिकन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बिशप खुद उसे सपोर्ट कर रहे थे, मगर असली प्रॉब्लम कहीं और थी। वह शैतान धीरे धीरे पीटर पर हावी हो रहा था। हर रात उसे डरावने सपने आते रहे, जहां जीसस क्राइस्ट पोजेस्ड हालत में उसे मारने की कोशिश करते थे। बेचारा पीटर हिल तक नहीं पाता था, उसे जैसे स्लीप पैरालिसिस की बीमारी लग चुकी थी। इस बार वो और कोई गलती करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो परमिशन मिलने के बाद फादर माइकल से कॉन्टैक्ट करते हैं, उन्हें मेक्सिको आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। उनसे ही पीटर को पता चलता है इस शैतान का नाम बालवन है। फादर माइकल ने एक बार इस शैतान को डिफीट किया था, उनका एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल रहा, इसीलिए ही तो पीटर उन पर इतना भरोसा करता है। वो कहते हैं बालबन बहुत ही शक्तिशाली है, इतना कि 2000 साल पहले उसने जीसस को पोजेस करने की कोशिश किया था। भले ही वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मगर तब से उनकी जंग चल रही है भगवान के खिलाफ। उसका प्लान बहुत बड़ा है और पीटर के ऐसे सपने से बस एक ही बात समझ आ रही है कि बलबन उसे भी पोजेस करना चाहता है, अपने प्लान में शामिल करना चाहता है। पीटर को हर हाल में सावधान रहना होगा। ऑल्सो इस शैतान से लड़ना आसान नहीं होगा, उन्हें अपना दिल और दिमाग पूरी तरीके से क्लीन रखना होगा, नहीं तो उस पर उनका प्रेयर कोई काम नहीं करने वाला।
पीटर को भी यही डर है, क्योंकि उन्हें मन ही मन पता है कि वो क्लीन नहीं है। उस रात को वो अभी तक भुला जो नहीं पाए, न अपनी गलती कन्फेस कर पाए। जब वो और फादर माइकल इधर इसी बारे में बात कर रहे थे, तो उधर चर्च के अंदर सिस्टर कैमिला के साथ एक भयानक हादसा होता है। वो मदर मेरी के सामने बैठकर प्रेयर कर रही थी, मगर अचानक से ही उसके सामने से वो मूर्ति गायब हो जाती है। उसकी जगह कैमिला को दिखते हैं कुछ ब्लड ड्रॉप्स जो डायरेक्टली हॉल की तरफ जा रहे थे। उन्हें फॉलो करने पर कैमिला को एक सफेद कपड़ा दिखता है जिसका अंदर था शैतान का बच्चा, और उसके पीछे मदर मेरी का इविल वर्शन भी था। जीसस क्राइस्ट के बाद अभी बलबन ने मदर मेरी का रूप भी ले चुका था। उसी रूप में वो हमला कर देता है कैमिला के ऊपर, उसे खींचकर अंधेरे में लेकर कहीं गायब हो जाता है। कुछ देर बाद नर्सरी में सभी बच्चों को एक अजीब सी क्रीपी सी आवाज सुनाई देने लगती है। वो लोग डर से दरवाजा बंद तो कर देते हैं, मगर होने वाले अनहोनी को रोक नहीं पाते। दरवाजा तोड़कर अंदर आती है सिस्टर कैमिला, पोसेस्ड हालत में। हमला कर देती है छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जिनसे वो अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती है। सबसे पहले उसे रोकती है मगाली, उसके बाद फादर माइकल और पीटर। सबकी जॉइंट एफर्ट से बहुत मुश्किल से कैमिला शांत होती है, मगर उन बच्चों की हालत खराब हो चुकी थी। डर से या फिर उस इविल प्रेजेंस से सारे बच्चे और ज्यादा बीमार पड़ चुके थे। पीटर समझ गए थे उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो वो अगले दिन ही जाकर हाजिर हो गए एस्परेंसा के सेल में, ऑफ कोर्स फादर माइकल के साथ। माइकल उस डीमन को उकसाते हैं उसे उसके असली रूप में लाने के लिए, मजबूर कर देते हैं उसे, क्योंकि उसके वल्नरेबिलिटी में ही उसे एक्सपेल किया जा सकता है। मगर बलपन को उल्लू बनाना इतना आसान नहीं था, ना उसे बश में करना था। वो फादर माइकल के हर्ट को कुछ सेकंड के लिए बंद कर देता है, साथ में उसका एक कान भी काट लेता है। ऐसे में फादर अपने प्रेयर्स को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन वो अकेले काफी नहीं थे। पीटर का प्रेयर तो उस पर असर ही नहीं डाल रहा था। उधर इस प्रिजन के बाकी सारे कैदी भी शैतान के चपेट में आ चुके थे, पोजेस्ड होकर अपने आप को ही मारने लगे थे। फाइनली काम आते हैं डॉक्टर नेल्सन, वो एस्परेंसा को एक सिडेटिव इंजेक्ट करके सुला देते हैं। फिलहाल के लिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, मगर एक्चुअल खतरा अभी भी टला नहीं था। वो लोग डिसाइड करते हैं आज रात एक्सोसिज्म स्टार्ट करने से पहले वो लोग इस प्रिजन को खाली कर देंगे। इससे बलबन को दूसरा कोई शरीर नहीं मिलेगा खुद को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन लीगली ऐसा पॉसिबल नहीं था। इंस्टेड डॉक्टर नेल्सन सारे इनमेट्स को सिडेटिव्स देकर सुला देते हैं, मगर उन्हें पता नहीं चलता ये सारे के सारे लोग ऑलरेडी पोजेस्ड हैं, और इनमें से एक ने चाबी भी चुरा ली है ताकि जरूरत के समय सभी को आजाद कर पाए। रात होते ही सारे जगह को होली वाटर से क्लीन करके फादर माइकल, पीटर और डॉक्टर नेल्सन अपने अपने तैयारी में लग जाते हैं। माइकल पीटर को बस एक ही बात बार बार कह रही थी कि उस शैतान के बातों में आना मत, खुद को शांत रखना और उससे ऐसे लड़ना कि तुम खुद ही भगवान हो। वो शैतान बहुत कोशिश करेगा तुम्हें बहला फुसला कर तुमसे कोई डील करवाने की, लेकिन उसके डील्स में सिर्फ उसका ही फायदा होता है, उसी की जीत होती है हमेशा, तो उस चक्कर में ना पड़ो तो ही अच्छा है। बातों बातों में जब फादर माइकल और पीटर एस्परेंसा के कमरे में पहुंचते हैं, अचानक पूरे बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और सेल का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। बाहर अकेला पड़ जाता है डॉक्टर नेल्सन, उनके साथ एक गार्ड भी थे, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अंधेरे में टॉर्च के रोशनी से जब नेल्सन इधर उधर भटकने लगते हैं, तो उसे उस गार्ड की लाश दिखती है। किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसका खून कर दिया था, बेचारे के सारे बॉडी पार्ट्स अलग हो चुके थे। उसी समय नेल्सन देखता है सारे सेल के दरवाजा खुला है, अंदर कोई नहीं, बस एक लड़की कोने में खड़े रो रही थी, लेकिन वो भी स्टेबल नहीं लग रही थी, अपने हाथ को नोच रही थी वो। नेल्सन इंजेक्शन रेडी करता है उसे लगाने के लिए, मगर उससे पहले ही एस्परेंसा कहीं से आकर उस पर हमला कर देती है। एट द सेम टाइम वो अपने सेल का दरवाजा भी खोल देती है, शायद इस दहशत को विटनेस करने के लिए ही। पीटर और फादर माइकल को नेल्सन मिलता है उसके लास्ट मोमेंट में, उस शैतान ने नोच नोच कर खाया था उसे। मरते वक्त भी वो उन्हें भागने के लिए कह जाता है, मगर उससे पहले ही सारे इनमेट्स पोजेस्ड हालत में उन पर हमला कर देते हैं। फादर माइकल अपने प्रेयर से किसी तरह उनसे लड़ पा रहे थे, मगर इस बार भी पीटर नाकाम रहा, उसके प्रेयर्स जैसे मामूली शब्द थे। उधर बलबन का अग्रेशन बढ़ता ही जा रहा था, दोनों उसके सामने टिक भी नहीं पा रहे थे।
वह सबसे पहले माइकल को अपने रास्ते से हटा देता है, एक इनमेट से मरवा देता है उसे। मगर मरने से पहले माइकल पीटर को आखिरी वार्निंग दे जाते हैं। उन्हें एहसास हो चुका था कि पीटर किसी सीन को कैरी कर रहा है, इसीलिए उसके प्रेयर्स काम नहीं कर रहे। उसे कन्फेस करना होगा, नहीं तो इस शैतान को हराना नामुमकिन हो जाएगा। पीटर को ऑलरेडी ये बात पता थी, वो तो माइकल के भरोसे यहाँ पर आया था। मगर पता चलता है फादर माइकल दूसरी बार बलवन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने एक छोटे से बच्चे के शरीर से शैतान को निकालने के लिए एक्सोर्सिज्म किया था, तब उन्होंने उस शैतान से एक डील किया था। उस छोटे से बच्चे की जान के बदले उन्होंने अपना सोल बेच दिया था उस शैतान को। उन्हें पता है उनके मौत के बाद उन्हें इटर्निटी तक नरक के आग में जलना होगा, इसीलिए तो वो पीटर को बार बार वार्न कर रहे थे। उनके पास और वक्त नहीं था, पीटर के सामने उनकी मौत हो जाती है और वो शैतान के बच्चे उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं। पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। सबसे पहले उन्हें अपने गलती को सुधारना होगा, तो वो सबसे पहले अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं और भेज देते हैं बिशप के पास। उसे पता था इससे उन्हें एक्सकम्युनिकेटेड किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा समाज से। जिन बच्चों के लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं, अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, उन्हें वो फिर कभी देख नहीं पाएंगे शायद। मगर फिर भी वो पीछे नहीं हटते। अपने गुनाह को कबूल करके उन्हें अपनी शक्ति वापस मिल चुकी थी, जिससे वो उन शैतान के बच्चों से लड़ पाते हैं, मगर ज्यादा देर नहीं। एस्परेंसा पीछे से उसके माथे पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। जब उनका सेंस लौटता है, वो खुद को चेंट पाते हैं। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो शैतान उसका एक्सोर्सिज्म कर रहा था। पीटर के अंदर से उसके भगवान को निकाल रहा था, जिससे वो खुद उसके अंदर जा सके। मगर पीटर इस बार इतने आसानी से हार नहीं मानते। वो अपनी पूरी ताकत से होली प्रेयर चैंट करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो शैतान भी अपनी ईविल प्रेयर कंटिन्यू कर रहा था। दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग थे, तो टक्कर बराबर का हो रहा था। फाइनली जब बलबन ने देखा पीटर पर कब्जा करना मुश्किल हो रहा है, वो हार नहीं मान रहा, तो वो उसे ऑर्फनेज के बच्चों को लेकर डराने लगा। उन इनोसेंट बच्चों से उनकी रूह छीनने लगा। सिस्टर कैमिला उनकी रक्षा कर रही थी, अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उन्हें बचाने की, मगर कब तक? इस शैतान के सामने वो तो कुछ भी नहीं। बलबन पीटर को एक ऑफर देता है, वह एस्परेंजा को छोड़ देगा, साथ में सारे बच्चों की जान भी लौटा देगा वो, लेकिन बदले में पीटर को अपने अंदर से भगवान को त्यागना होगा। उसे उसका शरीर चाहिए इस दुनिया में राज करने के लिए। पीटर को फादर माइकल की बात याद आती है, मगर ऐसे में उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। एस्परेंजा इतनी टॉर्चर झेल नहीं पाएगी, उधर फिर से कुछ इनोसेंट जान जाएगी। मजबूरन उन्हें बलबन का प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही पड़ा, और बलबन एस्परेंजा को छोड़कर घुस गया उसके शरीर में। मगर ये कोई पोजेशन नहीं था, उसका असली मकसद तो कुछ और था, जो कुछ ही देर में हमें पता चल जाता है। अपेरेंटली सब कुछ ठीक हो चुका था, सभी खुश थे, सुरक्षित थे, मगर पीटर भगवान का भक्त बनकर शैतान के काम में लग गया था। असल में बलवन को पता था इस आदमी के अंदर लिविंग सेंट वाली क्वालिटीज है। उसने जो सैक्रिफाइस किया है वो कोई नॉर्मल इंसान कर नहीं सकता, इसीलिए ही तो उसे पीटर की जरूरत थी। यहाँ पर हमें पता चलता है बिशप भी उसी की तरह बलबन का फॉलोअर है, इसीलिए उसने पीटर के भेजे गए उस कन्फेशन वीडियो को डिलीट कर दिया है, और अभी वैटिकन में उसे एक इम्पोर्टेंट पोजीशन भी दिला देते हैं वो, जिससे भगवान के घर में शैतान का एंट्री मिलना आसान हो जाए। हेवन में ना सही, एटलीस्ट पृथ्वी में तो उसका राज चले। मगर भगवान का खेल भी निराला है, वो पहले से सब कुछ प्लान करके रखते हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं हमेशा। जब शैतान एस्परेंसा को छोड़कर पीटर के अंदर घुस गया था, तभी भगवान ने भी एस्परेंसा को अपने पनाह में ले लिया। हम देखते हैं उसकी प्योरिटी के सामने पीटर को घुटन महसूस हो रहा था, उसके छूने से जलन हो रहा था उसके शरीर में। तो होपफुली आगे जाके वो ही लड़ेगी इस शैतान से, आजाद करेगी अपने पिता को। इसी होप के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। ऑनेस्टली गाइस, मुझे ये फिल्म बेहद पसंद आई। बहुत दिनों बाद एक ऐसा सुपरनैचुरल हॉरर देखा है जिसमें इतने सारे जंप्स के सीन्स हैं। कहानी भी बढ़िया है, साथ में एग्जीक्यूशन भी। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।